गुड मॉर्निंग एंड खमा गणिसा, वेलकम टू माई चैनल। आई होप सो आप सब खुश और हैप्पी होंगे। तो अभी हो गई ये आफ्टरनून, क्योंकि मैं सुबह ब्लॉग नहीं कर पाई, स्टार्ट काम बहुत रहता है मॉर्निंग में। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट में, और मेरे बड़े भाभी से, आई मीन मेरी जेठानी, जो मेरी छोटी जेठानी है, हम लोग तीन हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, जो मेरी छोटी जो जेठानी है ना, उनके यहाँ बेबी आया है, तो उसी के लिए हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। कल भी हमने शॉपिंग की, आज भी हम शॉपिंग करेंगे। कल 5:30 हो गया था, हम लोग 2:00 के अराउंड गए थे, 5:30 आए रिटर्न, क्योंकि फिर खाना भी बनाना था। 7:00 के अराउंड मेरे जो पापा होकर में, उनको खाना, मतलब खाना ही होता है, उनका शेड्यूल है, तो इस वजह से हम लोग को जल्दी आना पड़ता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि सारी जो शॉपिंग है वो ख़त्म हो जाए, ताकि कल ना जाना पड़े, क्योंकि मुझे वहाँ फिर से ऑफिस भी ज्वाइन करना है। मैं भी ससुराल आई हूँ, तब से ऑफिस नहीं गई हूँ, तो इसीलिए लेट्स सी क्या होता है। वैसे भी आज हम काफ़ी लेट हो गए हैं, तो 2:30 बज चुके हैं। सी कब तक रिटर्न आते हैं, मिलते हैं आपसे मार्केट में। फिर आने के बाद मैंने खाना बनाया, रोटी सब्जी, घिली की सब्जी और रोटी बनाई, कुश के लिए सैलेड बनाया, भाभी से के लिए दलिया बनाया, फिर पूरा क्लीन व्लीन करके फिर हम लोग ऊपर चले गए थे। तो मैं कुछ शब्द है जो बेटी के लिए बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज डॉटर्स डे है, तो सभी बेटियों को मेरी साइड से हैप्पी डॉटर्स डे। तो वो शब्द है, लाख चिराग जला लो तुम अपने आंगन में, लाख चिराग जला लो तुम अपने आंगन में, जीवन में रोशनी तो बेटी के आने से ही होगी। तो ये ट्रू है, आप ही मतलब एनालिसिस करना, जिस घर में बेटियां होती है उस घर की रौनक अलग ही होती है, और जिस घर में बेटियां होती है उस लोगों उन लोगों की सोच भी अलग होती है, मीन्स बदल जाती है बेटी के आने से। तो वो कहावत है ना कि बेटी एक घर नहीं दो दो घर को संवारती है, ये ट्रू है। शादी के पहले अपने घर को, शादी के बाद अपने ससुराल को, और इवन शादी के बाद भी वो दोनों घर को मैनेज कर लेती है इजी तरीके से। और जो ये वाली जो चीज़ है, ये सिर्फ एक लड़की में ही होती है, जेंट्स चाहकर भी नहीं कर पाता। मैंने तो नहीं देखा है आज तक कि कोई जेंट्स दोनों जगह को संभाल पाए, या कोई लड़का दोनों जगह को मैनेज कर पाए, दोनों लोगों को खुश रख पाए, बट एक लड़की ये कर सकती है। तो इस चीज़ से मुझे गर्व है कि मैं एक लड़की हूँ, एक अच्छी बीवी हूँ, एक अच्छी बेटी हूँ। सो सभी लड़कियों को थैंक यू सो मच, और प्राउड ऑफ अस कि हम इतने स्ट्रांग हैं। और हम इतने स्ट्रांग हैं इसीलिए भगवान ने हमको लड़की बनाया है, यदि हम स्ट्रांग नहीं होते तो शायद हम भी नहीं लड़की बन पाते। और ये क्वालिटी हमारे अंदर ही है कि हम हर इंसान को, हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। तो देखिए, मैं खाना भी बना चुकी हूँ, बात ही बात में ऑलमोस्ट खाना बन चुका है, सब्जी तो बन गई है, बस रोटियाँ ही बन रही हैं। हम लोगों के यहाँ जॉइंट फैमिली तो रोटी काफ़ी बनती है, मुझे 1.5 घंटा लगता है रोटी बनाने में शाम को, और सुबह 2 घंटे लग जाते हैं। फैमिली काफ़ी बड़ी है, उस वजह से ये मेरा काम भी कंप्लीट हो गया, रोटी वगैरह बन चुकी है। अब बस मुझे क्लीनिंग करनी है, जो कि मैं बस करूँगी। बट उसी बीच कुश के रोने की आवाज़ आने लगी, तो मैं जाके चेक कर रही थी, बट ये थोड़ा क्लीन करके जाती हूँ, ताकि वो आ जाए तो मैं उसको गोदी में लेके ऐसा काम कर सकूँ जो मुझे झुकना ना पड़े, उठाना ना पड़े, तो इसलिए मैं वो काम कर रही हूँ। बट उसके रोने की आवाज़ ज़्यादा ही आ रही थी, तो फिर इसी बीच फटाफट काम करके सोच रही थी कि जाऊँ उसको लेके आ जाऊँ। एक खाना परोसना भी ज़रूरी है, दादी सा और मम्मा खाना जिम रहे थे, फिर मैं उसको लेके आई, फिर लाने के बाद उसको इधर उधर उसका मन लगा रही थी मैं, ताकि वो चुप हो जाए। होता है बच्चे कभी कभी ज़्यादा परेशान करते, क्योंकि टाइम हो जाता है ना उनको अपनी मम्मा को देखे हुए। मेरा बेटा तो ऐसा ही है, उसको उसकी मम्मा दिखना चाहिए हर थोड़ी थोड़ी देर में, अदरवाइज वो फिर रोना गाना स्टार्ट कर देता है। वही उसको लेके काम करने की कोशिश कर रही हूँ, बट नहीं हो पाता है यार उसको उठा के काम कर पाना।
बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है कि काम और दोनों कैसे पॉसिबल है। तो मैंने उसको स्टैंड पे बिठा दिया था ताकि मैं सब्जी वगैरह निकाल सकूं कढ़ाई से, और इसी वजह की शायद आप टाइम देख पा रहे हो तो 8 o'clock होने वाले हैं, 7:50 हो चुकी है। फिर आने के बाद हमने जो शॉपिंग की थी वो सब का वीडियो बनाया। मैं अच्छे से क्लिप नहीं ले पाई, सॉरी फॉर दैट, बट जो भी है यही है, आप देख सकते हैं। तो ये पायल, माखी, ये भाभीसा के कपड़े, ये छोटू बाबू के कपड़े, उसके लिए खिलौने भी लेके आए हैं, ये भाभीसा लेके आए हैं, ये ब्लू कलर का लाइट ब्लू मैं लेके आई हूँ, केप लेके आई हूँ मैं भी, ये टू टाइप के ये खिलौने बहुत प्यारे लगे मुझे, दो बेबी और एक बॉटल वाला। अरे भाभीसा लाए, और फिर उसी बीच हम दोनों मस्ती करने लगे। कुश, व्हाट डू यू वांट मैन? कुशु, क्या चाहिए आपको? मेरे घर पर पूजा हुई थी नेक्स्ट डे अमावस्या की, तो मैं खाना खाने के लिए घर पे गई थी। वहाँ कन्या भोज रखा गया था, और जितनी भी बहन बेटियाँ होती हैं हमारे यहाँ उस दिन खाना खिलाया जाता है। तो मैं और मेरा बेटा मम्मा के यहाँ गए थे, सब लोग मिलके खाना खा रहे थे, खूब मस्ती की, मेरी मम्मी, मेरे भाभी सा, मेरी फ्रेंड, ये है श्रुति, लड्डू, सब ने साथ में मिलके खाना खाया और खूब इंजॉय किया। साथ में बैठकर खाना खाने से एक तो प्यार भी बढ़ता है, साथ ही साथ बात करते करते पता नहीं चलता।